ये देखिए जी, कलाड़ी कुलचा, हमारे इधर कुलचा है और इधर ये कलाड़ी है। इसको देसी घी में इसको फ्राई किया जाता है। ये देखिए जी, क्या बात है जी, ये फ्रेश ये कलाड़ी होती है। संजय जी, कलाड़ी कहाँ से मंगवाते हैं आप? जम्मू से आती है। उल्टा हो गया जी? मैं बहुत साल पहले रजौरी से लेके जाता था जम्मू, वो कलाड़ी अब नहीं है यार। अच्छा, ये प्योर मिल्क की कलाड़ी होती है। ठीक है, तो ये कैसे बनाई जाती है, कुछ जानकारी है इसका आपको? मिल्क से ही बनाई जाती है। कैसे, दूध से कैसे बनाते हैं? बस दूध डालते हैं, थोड़ी सी लस्सी पड़ती है, उसको जमाते हैं, मतलब क्योंकि इसका टेस्ट बाकी जो हम जमाते हैं उससे अलग होता है। घी अपना भी निकालती है। हाँ, घी अपना भी निकालती है। इसमें भी घी होता है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए जी, ये तो इन्होंने ये देखिए जी, खिलाड़ी कुलचा ये खाने के लिए तैयार है। और ये मैं दिखाता हूँ, इसमें भी जो चटनी है, ये देखिए जी, मूली के साथ रेड और ग्रीन वाली दोनों चटनी है। चलिए जी, आज इसको टेस्ट करते हैं चल के। कलाड़ी कुलचा फ्रॉम रजौरी रेडी है जी खाने के लिए। और हमारी बिटिया आरुषि खजूरिया कलाड़ी कुलचा खा के हमें बताएगी ये किस प्रकार से इसका टेस्ट है और क्या खासियत है कलाड़ी कुलचे की यहाँ की। कैसा लगा जी आपको? अच्छा, बिल्कुल अच्छा। ये बताइए, कलाड़ी बनती कैसे है, क्या मालूम है आपको इसके बारे में? दूध कर्डलिंग करनी पड़ती है, फटाना ही पड़ता है उसको। हाँ, और तो जैसे वो चीज जैसे बाहर आता है जो नॉर्मल पनीर है, तो हाँ, आप निकालते हो हल्का सा सॉल्ट डिप करके, समथिंग कोई प्रोसेस है, छोटा सा ही प्रोसेस है। ठीक है जी, चलिए पहले इसको ये देखिए जी, आप देसी मोजरेला चीज बोल सकते हो। बिल्कुल ठीक है, इसमें मतलब ऐसा इट स्ट्रेचेस, अभी हो नहीं रहा अच्छे से, बट दूसरा इसकी खासियत होती है कि जब इसको आप करें तो उसकी स्ट्रेच हो जाता है, इसकी तार सी बन जाती है। इसको अल्टरनेट यूज कर सकते हो, मतलब प्रोसेस मोजरेला चीज की जगह खुद बनाते हो। ओके जी, ओके, ग्रेट, राइट जी, राइट, थैंक यू।